नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। श्री विजयनगर नगर पालिका के वार्ड 4 के पार्षद एवं माकपा नेता एडवोकेट भवानी पवार ने आज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मिलखराज चोग को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने यह ज्ञापन शहर में घूम रहे आवारा व पालतू पशुओं की समस्या को लेकर सौंपा। उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से आवारा पशुओं को नियंत्रित करने तथा पालतू पशुओं को बाड़ों में रखने के लिए पशुपालकों को पाबंद करने की मांग की। साथ ही उन्होंने शहर में लंपी वायरस से पीड़ित आवारा गौवंश के वैक्सीनेशन करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में वे इस समस्या को लेकर आंदोलन छेड़ेंगे। आवाज़ न्यूज़ राजस्थान के लिए श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से सुरेंद्र सिंह राठौर की खास रिपोर्ट। आज श्री विजयनगर में आवारा पशुओं और पालतू पशुओं से जो शहर के अंदर आमजन को परेशानी हो रही है उसकी मांग को लेकर ईओ नगर पालिका को ज्ञापन प्रेषित किया है और ये मांग की गई है कि आवारा पशुओं और पालतू पशुओं के कारण जो रात को पशुपालक है वो पालतू पशुओं को सड़कों पे छोड़ देते हैं, जिसके कारण सफाई व्यवस्था भी सरमरा जाती है और आमजन का आना जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ में जो लंपी रोग जो पशुओं के अंदर आ रहा है उसके संक्रमण का भी खतरा बढ़ रहा है। इन तीनों मांगों को लेकर आज अधिशासी अधिकारी विजयनगर को हमने ज्ञापन देकर ये मांग की है कि एक तो आवारा पशुओं और पालतू पशुओं के पशुपालकों पर नोटिस जारी करके उनको पाबंद किया जाए कि आवारा पशु और पालतू पशु ये सड़कों पर बेवजह न घूमें, और दूसरी लंपी रोग को देखते हुए जो भी पशु है उनको उचित चिकित्सा के लिए उनके ऊपर दवाइयों का छिड़काव कराया जाए, उसका उनका टीकाकरण करवाया जाए। इन मांग को लेकर आज अधिशासी अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है।